लोकल टीवी न्यूज 24/7 सब पर नजर, सबकी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। मैं हूं आपके साथ कुमार विक्रम। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लोकतंत्र की हत्या बताया। बिहार के मसीहा गरीबों की आवाज, युवाओं का हमदर्द रहे। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद बिहार में सियासत गर्मा गई है। इसी कड़ी में भागलपुर के समाज सेवी नेता पप्पू यादव ने गिरफ्तारी की घोर निंदा करते हुए मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस महामारी में गरीबों के सच्चे नेता पप्पू यादव है। पप्पू यादव ने मरीजों की मौत के बाद एम्बुलेंस छापे को उजागर कर दिया, जिससे सुशासन की सरकार बौखलाहट में आ गया और जाप अध्यक्ष राजेश रंजन और पप्पू यादव को पटना से गिरफ्तार कर लिया। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद लगातार लोगों में तनाव का माहौल है। इसकी निष्पक्ष जांच हो तथा जल्द से जल्द जाप अध्यक्ष पप्पू यादव को रिहा किया जाए। भागलपुर से अमरजीत कुमार की रिपोर्ट। लोकल टीवी न्यूज 24/7 सब पर नजर, सबकी खबर है।